हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए पालक के पकोड़े बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने टेस्टी बने हैं और कितने क्रंची भी हैं, जो खाने में बेहद ही टेस्टी हैं। तो देखते हैं मैंने पालक के पकौड़े कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पर एक गड्ढा मैंने पालक का लिया है, इसको यहीं से कट कर लेंगे। तो सभी को पता है कि पालक में कितना आयरन होता है और जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है। तो मैंने पालक को यहाँ पर काट लिया है। अब इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं वही हमें लेने हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके अवश्य बताना कि मेरे पालक के पकौड़े आपको कैसे लगे। और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर जो है मैंने पत्ते छाट रही हूँ मैं, और हमें ये ऐसे साफ पत्ते लेने हैं बिल्कुल। पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। तो मैंने साफ कर लिया है सब पालक को इस तरह, बिल्कुल इसकी डंडी हटा लेंगे और अच्छे से धो लेंगे इसे। तो देखिए दोस्तों, पालक को मैंने धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब यहाँ पर लिया है मैंने बेसन। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बेसन लिया है, 150 ग्राम के लगभग होगा ये। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। इसमें बेसन की गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है, और 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच, और नमक टेस्ट के अनुसार, अजवाइन लिया है मैंने, क्रश करके डाल लेंगे। और ये मैंने हींग लिया है थोड़ा, इसको भी डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो देखिए मैंने मिला लिया अच्छे से। थोड़ा पानी और मिलाएंगे। तो मिला लिया है, अब इसे हम रख देंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। बीस मिनट हो गए हैं तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया, तेल गरम हो गया है। तो हम एक एक पत्ता ऐसे डुबोएंगे इसमें। और अच्छे से डिप कर लेना है बेसन में। तेल हो गया गरम। तो हम डाल देंगे इसमें अब यहां हम 3-4 पत्ते इसमें डाल देंगे पालक के।
हम इन्हें पलट लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए दोस्तों पकोड़े बिल्कुल कितने करारे बने हैं, तो इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब देखिए कितने ये फूल गए हैं, बिल्कुल अच्छे से फूले फूले पकोड़े बने हैं। इन्हें भी पलट लेंगे। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। इन्हें भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए कितने फूल गए हैं, फूले फूले पकोड़े बने हैं पालक के। तो देखिए दोस्तों पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये पकोड़े दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई करके अवश्य देखिएगा।